नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 2 UPSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। एक मॉडल पेपर करा दिया हूं जिसमें 52 क्वेश्चन तक आप लोगों का हुआ है, अब 53 क्वेश्चन पर आते हैं। यह मॉडल पेपर दोस्तों सभी स्वास्थ्य विभाग की सभी भर्तियों के लिए है, चाहे फार्मासिस्ट के हो, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ANM, अन्य सभी भर्तियों में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। मिड्रिएट आई ड्रॉप्स का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 53 है, मिड्रिएट आई ड्रॉप का क्या कार्य है? कार्य पूछ रहा है दोस्तों, तात्पर्य नहीं, कार्य जो है क्या कार्य है। तो क्या कार्य होता है दोस्तों? आँख की पुतली में फैलाव करना। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, सिर पर चोट लगे मरीज को मैनिटॉल मिल रहा है, निम्न में से कौन सा आकलन करने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरिनरी आउटपुट, यह बहुत बुरा है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा संकेत ग्लासगो कोमा स्केल में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? सेंसरी इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? ग्लूटेरिडाइड और सेवलॉन जो होता है यह साफ करने के लिए आता है फर्नीचर का। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, मुंह की सफाई करते समय मरीज को कौन सी स्थिति में रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 तो किस में रखते हैं दोस्तों? सेमी फाउलर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अगर चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम 40 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चैनल पर पड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से मैं बता रहा हूँ कि 70% प्रश्न आपके जो है मुख्य परीक्षा में फंसेंगे, सेम डिक्टो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों जितनी ANM बहनें हैं सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने ANM बहनों के पास, सहेलियों के पास, क्योंकि बहुत सी ANM बहनें ऐसी हैं जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, सटीक स्टडी मटेरियल, तो वही लेकर मैं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, पीठ की देखभाल के उद्देश्य निम्न में से हैं, कौन सा है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं होगा। पीठ की देखभाल के लिए प्रसंजन को बढ़ावा देना ये भी नहीं है, सुविधा को बढ़ावा देना ये भी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं, सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर, वह कौन सा है दोस्तों? मस्तिष्क की ओर प्रसंचरण को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, मोटी और दृढ़ स्राव को नरम करने के लिए व ऊपरी श्वास नलिका में कंजेशन से राहत पहुंचाने के लिए नर्स वाष्प इन्हेलेशन देने की योजना बना रही है, उसके लिए पानी का तापमान क्या सुनिश्चित करना चाहिए? दोस्तों इन्हेलेशन, देखिए आप वाष्प इन्हेलेशन का टर्म पकड़िए, इसमें टेम्परेचर जो होता है 120 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रैकियल सक्सिंग के दौरान सक्शन दबाव क्या होना चाहिए? 45 वर्ष, 200 सेंटेंस को समझें तो क्या होना चाहिए? 110 से 150 mmHg। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, प्रभावी CPR को देखने के लिए कौन सी नाड़ी पेल्पेट करनी चाहिए? तो कौन सी होती है दोस्तों? कैरोटिड नाड़ी। कैरोटिड नाड़ी कहाँ होती है? आपके गले के पास में होती है CPR को देखते समय। क्वेश्चन नंबर 63 पाते हैं, नर्स निचली आंत को धोने व उसके कंटेंट निकालने के लिए एनीमा की तैयारी कर रही है, वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 750 से 1000 मिली। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, एक वयस्क व्यक्ति को एनीमा देने के लिए पानी का तापमान रखना चाहिए, जब एक वयस्क एनीमा क्यों दिया जाता है? आप लोग को पता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब उस समय देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? 105 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट पानी का तापमान रहता है। जब भी आपको डिग्री से पूछा जाएगा तो फॉरेनहाइट में ही पूछा जाएगा, ना कि सेंटीग्रेड में। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, मनुष्य का जो तापमान देखा जाता है अक्सर डिग्री फॉरेनहाइट में ही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, इच्छा मृत्यु कहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों। इच्छा मृत्यु कहते हैं तो किसे कहते हैं दोस्तों? दर्द रहित मौत को और अच्छी मौत को, ये दोनों जो होता है
इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। 66 पे कह रहा है कि ओरल केयर में प्रयुक्त सोल्यूशन निम्न में से नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो बीटा डीन जो होता है नहीं होता है, KMN4 होता है, H2O2 है, नींबू का रस जो होता है, ये ओरल केयर में होता है लेकिन बीटा डीन नहीं होता है। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं, एक को छोड़कर, तो वह कौन सी है दोस्तों? भेगापन, ओटाइटिस मीडिया भी कान के लिए है, फॉरेन बॉडी भी है, सेरुमेंट प्रभाव ये भी जो है, लेकिन भेगापन जो होता है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 पता है, वार्ड में भर्ती मरीज को रक्त ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, शुरू होने के तुरंत बाद रोगी कपकपाहट के साथ पीठ में दर्द की शिकायत करता है, नर्स की निम्न सभी कार्रवाई उपयुक्त है, वह सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करेगी? तब सबसे पहले रक्त ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देगी अगर ऐसा होता है तो। केवल एक को छोड़कर सभी लाइव बैक्टीरिया टीके हैं, तो कौन सा है दोस्तों? ओरल टाइफाइड ज्वर टीका जो होता है, इसी को छोड़कर सभी लाइव टीके हैं। BCG वैक्सीन, एंथ्रेक्स, आंत ज्वर टाइप जो होता है, ये सब लाइव हैं, लेकिन जो टाइफाइड ज्वर का टीका है ये वो लाइव नहीं है। 70 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, नैतिक विचार निम्न में से किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है दोस्तों? केवल सम्मान और न्याय में भी है, उपकार में भी है, फिडेलिटी में भी है। क्वेश्चन नंबर 71 पता है, डाटा का प्राथमिक स्रोत है क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, छुट्टी के दौरान सहमति सुनिश्चित करें, तो क्या होता है दोस्तों? फिजिशियन की लिखित सहमति से। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डरता है, इसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों टर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं? रस्सी को सांप समझकर जो है डर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं, सॉरी भ्रम नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, भ्रांति कहते हैं, इल्यूजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रम भ्रांति समझकर जो है इल्यूजन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, निम्नलिखित कंडीशन में भ्रम डिल्यूजन मौजूद नहीं होता है, किस में नहीं होता है दोस्तों? उन्माद में, बाकी सब में होता है, डिप्रेशन, OCD, प्रलाप, इन सब में होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पाते हैं, एक आदमी जिसने पड़ोसी को हिट मतलब मारा और अगले दिन उसे महसूस होता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और पड़ोसी उसके दिमाग को तरंगों द्वारा नियंत्रित कर रहा है, इसका संभावित डायग्नोज क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ECT निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक मरीज में अधिक प्रभावी होता है, तो किस में प्रभावी होता है दोस्तों? ओ ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्माद में, मैनिया जिसको बोला जाता है, 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं, दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की संख्या बहुत कम देख रहा हूँ मैं, बहुत कम लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, समय बहुत कम बचा है। आज इसमें बता रहा हूँ 21 अप्रैल हो गया, 8 मई को आप लोग की परीक्षा है, जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी कर ले जाएंगे वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं, सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति दूसरे से अपने लिए खतरा मानता है, उसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्पीड़न का भ्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर आता है, कई साल तक भारी शराब पीने पर जब शराब पीना छोड़ देता है तब व्यक्ति विदड्रॉल लक्षण महसूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रलाप ट्रेमेंस कहते हैं, DTS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, कॉग्निटिव विकार क्या? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, कॉग्निटिव विकार जो जिसको हम क्या कहते हैं? मनोभ्रम डिमेंशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है, किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से लिखा उपचार योजना का अधिकार, सेवाओं की योजना बनाने में चल रही भागीदारी का अधिकार, एक मानवीय व्यवहार पर्यावरण का अधिकार, ये तीनों जो है मानसिक रूप से बीमारी रोगी के अधिकार में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक इंगित करता है, तो कौन करता है दोस्तों? हार्ट घबराहट ये भी सही है, पसीना आना ये भी सही है, अब दो हमको सही मिल रहा है तो इसका मतलब तीसरा भी सही होगा, हाइपर वेंटिलेशन, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बंद जगह में डर लगने को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों सेंटेंस इस टर्म से क्वेश्चन आ गया है 82 नंबर का, तो क्या कहते हैं दोस्तों? बंद जगह, जिसे बंद जगह है तो वहाँ पर डर लग रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको? क्लास्ट्रोफोबिया हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, निम्न सभी उन्माद के बारे में सत्य है सिवाय एक को छोड़कर, किसको छोड़कर दोस्तों? एनहीडोनिया को छोड़कर, और सब इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं,
पीडीपी के तेज घटना चक्र में पसंद दवा है, तो कौन सी दवा है दोस्तों? लीथियम जो होती है पीडीपी के तेज घटना चक्र में पसंद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, उन्माद की विशेषता क्या है? उच्च आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, निम्न में से केवल एक को छोड़कर बाकी भारी दुख में होने के शारीरिक लक्षण हैं, तो कौन से हैं दोस्तों? एकाग्रता के लिए कठिनाई को छोड़कर कमजोरी, अनिद्रा, आहार में मिठाई, ये सब जो है कठिनाई जो है, ये सब शारीरिक लक्षण के। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को किस तरह हटाया जा सकता है? किस तरह हटाया जा सकता है? उबाल कर, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 88, 5 साल से कम आयु के बच्चों में मौत का सबसे सामान्य कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों? डायरिया। अक्सर जब पेट झरने लगता है, उल्टी होने लगती है, तो बच्चे इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मौत देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, कापर टी किस परिस्थिति में नहीं लगाते हैं? कापर टी किस लिए लगाया जाता है? ये सब आप लोग को पता ही है, ये सब गर्भ निरोधक का जो है उपाय है। कापर टी किस परिस्थिति में नहीं लगाते हैं? किस में नहीं लगाते हैं दोस्तों? गर्भावस्था है तो कापर टी नहीं लगाते हैं, कन्फर्म है। श्रेणि संक्रमण है, मतलब कहीं इन्फेक्शन है, तब भी नहीं लगाते हैं। अब ये दो स्थिति हमको सही मिल रही, तीसरा ऑटोमेटिक सही है। हृदय रोग है तब भी कापर टी उस महिला को नहीं दिया जाता, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, महामारी में सबसे पहले बीमार व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंडेक्स मामला कहते हैं, इंडेक्स मामला। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार दोस्तों डेंगू को कहा जाता है। 92 पर आते हैं, नवजात शिशु में ज़्यादातर टिटनेस कब प्रकट होता है? 7वें दिन होता है दोस्तों, इसलिए जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे टिटनेस का इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। IUD लगी महिलाओं में सबसे दुष्प्रभाव यह होता है, क्या होता है दोस्तों? योनि से खून में बढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, विटामिन का उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन का उच्चतम स्रोत जो होता है वो है पपीता है, विटामिन पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, जनसांख्यिकी के अध्ययन में शामिल है, तो जनसांख्यिकी के अध्ययन में क्या शामिल है? फर्टिलिटी, ये भी सही है। मृत्यु दर, ये भी सही है। दो हमको सही लग रहा, तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। सामाजिक रुग्णता, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सहेलियों के पास, एनम बहनों के पास, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है उनको भी प्रोवाइड आप लोग कराइए। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ यह बुक आप लोग को यहाँ नहीं मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों में शिशुओं व स्कूल पूर्व बच्चों में पोषण की समस्या का सामान्य कारण क्या है? क्या है दोस्तों? विटामिन ए की कमी, ये तो सही है। एनीमिया, ये भी सही है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये भी सही है। इसीलिए जो है आप लोग देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की जो है योजना चालू की गई है। मिड डे मील की योजना में तरह तरह के भोजन बनते हैं, चाहे गरीब घर का बच्चा हो चाहे अमीर घर का बच्चा हो, सभी को एक समान भोजन मिलता है। जब एक समान भोजन मिलेगा तो बच्चे का पोषण जो है ठीक ठाक रहेगा, न्यूट्रिशनल जो है प्रोडक्ट मिलेगा, दिमाग भी अच्छा विकसित होगा। तो खाने पीने से ही दिमाग अच्छा विकसित होता है, इसीलिए जो है आप लोग देखते होंगे प्राथमिक विद्यालय में लिखा रहता है। निम्न में से एक ऊर्जा उपज भोजन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 97 पर, कौन सा नहीं है दोस्तों? विटामिन और खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन एक स्थूल पोषक तत्व तो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विटामिन स्थूल पोषक तत्व तो नहीं है। विटामिन ए की बूंदे 6 से 9 खुराक बच्चों को मुंह में से दी जाती हैं, और उसके बाद 1,00,000 IUE की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 9वें महीने में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी मौका है, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सभी स्टडी मटेरियल पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, कौन सा शब्द शीर्ष से निम्न दिशा की ओर विकास को दर्शाता है? तो कौन सा है दोस्तों? सिफेलो कॉडल प्रवृत्ति। अक्सर दोस्तों मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर बहुत कम लोग देते हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा एक्टिव रहिए। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका क्या मतलब है तो ज़रूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक लाइक करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।